तो प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, प्रदेश की जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रदेश की मुखिया की जो प्रतिबद्धता है वो नजर आ रही है। ऐसे में जो भी अधिकारी, जो भी पुलिस अधिकारी लापरवाही करेंगे उन पर सख्त एक्शन की भी तैयारी इस वक्त नजर आ रही है। सीएम योगी इस वक्त एक्शन मोड में है। छोटी सूचना पर एक्शन लिया जाए, क्षेत्र में महिला पुलिस बीट अधिकारियों को एक्टिव रखें। और एक बार फिर से निकिता का रुख करेंगे। निकिता सरीन संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से लाइव बनी हुई हैं। निकिता, प्रदेश के मुखिया के द्वारा प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए जो प्रतिबद्धता है वो कहीं ना कहीं तब नजर आती है जब बिल्कुल एक्शन मोड में होते हैं, जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। देखिए, ये सारी चीजें समय समय पर होनी चाहिए, ये जरूरी भी है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि लव जिहाद और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, और सिपाहियों से लेकर के डिप्टी एसपी तक जो उनकी जवाबदेही है अगर ये सारी घटनाएं होती हैं, खास तौर पर लव जिहाद जैसी और चेन स्नैचिंग जैसी, तो अब उनकी जवाबदेही तय है। मुख्यमंत्री ने शिकायतों पर गलत रिपोर्ट लगाने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं उन पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं, और ये भी कहा है कि जिन गांवों में जानवरों के अटैक का खतरा है वहां पर सोलर फेंसिंग भी होनी चाहिए। जिस तरीके से रविवार को डेवलपमेंट कार्य कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने ये सारे ऑर्डर्स दिए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि लव जिहाद, चेन स्नैचिंग, ईव टीजिंग की जो छोटी से छोटी सूचना है उस पर तत्काल यानी तुरंत के तुरंत एक्शन भी होना चाहिए। क्षेत्र में महिला पुलिस बीट अधिकारियों को एक्टिव रखने के लिए कहा है उन्होंने, उनको ये भी कहा है कि समय समय पर जो पेट्रोलिंग है वो करें। और मुख्यमंत्री ने 16 सितंबर को 12 वफात की जो अतिरिक्त अनंत चतुर्थी है उसका की जो गणेश उत्सव वो मनाया जाएगा, और उसके बाद फिर से आपको बता दूं कि पितृ पक्ष है उसका आरंभ हो जाएगा, और 3 अक्टूबर से जो शारदीय नवरात्र है वो होगी, और उसके बाद विजयदशमी का उत्सव है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत से अगर हम देखें तो ये समय संवेदनशील है, और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शांतिपूर्वक जो बयानबाजी है, जो शरारत पूर्ण बयानबाजी कह सकते हैं वो करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके साथ जो ऐसा करते हैं उनके साथ लगातार कड़ाई है वो पेश की जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो सीएम हेल्पलाइन है, थाना, तहसील, विकास खंड में पहुंचने वाले जो कंप्लेन करता है यानी शिकायत करता है उनकी तुरंत सुनवाई भी की जाए, शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक की जो ऑफिसर्स हैं उनका जो प्रदर्शन है वो माना जाएगा, यानी कि जैसे ही कोई कंप्लेन करता है तुरंत एक्शन अगर लिया जाए तो परफॉर्मेंस अब अधिकारियों को ऑफिसर्स का इसी पर चेक होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भ्रमित रिपोर्ट लगाते हैं लोग उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो हो, यानी कि जेन्युइनली अगर ये सारी चीजें कोई फेस कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट लिखने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो भ्रम फैलाता है, जो आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, जो ऐसे कॉमेंट देता है उसके अगेंस्ट भी अब एक्शन होगा, और ये सभी काम सिर्फ और सिर्फ सरकार इसलिए कर रही है कि अब आगामी समय में जो त्योहार है उससे किसी को भी बाधा ना आए और पीस हार्मनी के साथ जो त्योहार है वो सब शांतिपूर्वक लोग बनाएं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए निकिता बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां खबर चलाने के बाद असर ये हुआ है।